feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because तो वेलकम टू नेक्स्ट डे, दिस इज़ मंडे आज एंड टाइम हो रहा है 10:23 एंड आज हम निकल रहे हैं मल्लिकार्जुन के लिए, ज्योतिर्लिंग है ना एक वो एक, क्योंकि हम लोग ने ऑलमोस्ट शायद से 3 ज्योतिर्लिंग कवर कर लिया, ये हमारा 4th ज्योतिर्लिंग होगा। तो यहाँ पे भी आए हैं तो जाएंगे ना, तो इट्स इन श्रीशैलम ऑलमोस्ट वहाँ पे है, तो यहाँ से अराउंड लाइक 226 किलोमीटर है विच इज़ अराउंड 5 hours फ्रॉम हियर। तो अभी यहाँ से हम गाड़ी से जाएंगे, बाइक नहीं ले रहे हैं। एक रोहित का जो फ्रेंड है उसका कार लिया हम लोग ने, ग्रैंड विटारा, और मेरा बलेनो, ये दो गाड़ी में हम लोग जाएंगे। तो अभी तो बेसमेंट में हूँ और मैं अपना एक बैग भूल चुका था तो वो लेने जा रहा हूँ अभी, वो बैग लेके मैं नीचे आऊँगा, फिर गाड़ी में बैठ के निकलने का प्लान है पूरा। इट्स अ गुड डे, बहुत सही वेदर है सब यहाँ पर। अभी फिलहाल निकल के है ये आज का वाइट टी शर्ट वन एंड माई ड्रोन सब कलेक्ट कर लिया है, बस एक बैग रह गया था। तो अभी बैग लेके वापस नीचे जा रहा है। तो सामान कलेक्ट कर लिया है, अभी हम लोग बेसमेंट में आ रहे हैं, आ गए अभी सब लोग वहीं पे खड़े हैं। एक्चुअली मैं खाली एक सामान लेने ऊपर गया था ना, ये देखो सामने ही है एक ये वाला गाड़ी अपना बलेनो, फुल लाइटिंग वाला गाड़ी, और दूसरा ग्रांड विटारा। ये पागल वागल है क्या? इसको जानता रहेगा सब लोग ना, ये कलमबोली की पागल थी। और ये हमारा दूसरा फेमस यूट्यूबर अजिंक्य फोफड़े, डू चेक आउट ट्रैवल टेल्स बाय अजिंक्य, डू चेक आउट एजे, एजे इज शॉर्ट फॉर्म। किस पे? ओह नो, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज नॉट अलाउड। चलो चलो निकलते, चाय ब्रेक इज नेसेसरी। हमारा नाश्ता करके हो गया, घर पे मंगाया था उड़पी वाले रेस्टोरेंट से, अभी चाय के लिए जाने का है। चाय ब्रेक के लिए हम लोग रुके हैं यहाँ पे, ये दो कार्स हैं, एक ग्रैंड विटारा और एक अपना बलिनो, और एक गाड़ी में वो चश्मा पहन के बैठी है कोई तो, मूवी का कोई तो ऐसा लग रहा है, पोज दे के बैठा है, बाकी सब उधर है चाय पीने के लिए। तो चाय पी के यहाँ से अभी निकलते हैं, टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 10:42 चाय पीने का यहाँ पर, इसे घर के से पास में है बस। देखो सब लोग यहाँ पर चाय का टुस्की मर रहे हैं। ए और एक चाय, चाय चाहिए और चाहिए तो मैं क्यों तू इतना अक्खा कैसे खा सकती है? भुक्कड़ औरत स्क्रू मार दे, स्क्रू मार दे। हाँ 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 हाँ, मस्त है, बस जबरदस्त मस्त चाय है। इनका पास हो गया, दिल खुश हो गया। बॉटल ले ले, ऐसा बचाना पड़ेगा। पानी का बॉटल कितने ले रहे हो? 4। हाँ वैसे वैसे तो अभी एक स्मॉल अपडेट, अभी टाइम हो रहा है 12:32
और ऑलमोस्ट 77 किलोमीटर हम लोग ने कवर कर लिया। अभी हम लोग नेक्स्ट एक ड्रोन उड़ाने का देख रहा था, बट इधर अचानक से बहुत जोर से बारिश आ गया था, बट अभी यहाँ पे देख रहा है बारिश बंद हो चुका है, तो शायद हम लोग यहाँ पर अभी थोड़ा ड्रोन शॉट्स लेंगे। अभी पीछे भी दो तीन लोग को ट्रेन करने का ड्रोन शॉट्स के लिए, तो उन लोग फिर कभी ड्रोन उड़ाने करेगा तो नहीं, ट्रेन नहीं कर रहे, चुप, डायरेक्ट उड़ा रहे, चुप, बिल्कुल चुप, डायरेक्ट चला रहे भाई, प्रोफेशनल गाड़ी चला रहे, हम ड्रोन चला रहे, प्रोफेशनल्स बैठे थे, ट्रैक मी नहीं, हम चलाएंगे, ठीक है, तो देखते हैं कैसा है, विंडो से विंडो निकालेंगे, वो साइड आप देखोगे ना सीनरी बहुत अच्छी अच्छा है, बोल रहे, तो हम लोग सोच रहे कि ले लें। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक जगह पे स्पॉट पर रुके ड्रोन शॉट लेने पे, वहाँ पे हम सीन देख सकते हो तो बहुत सही सही है, तो एक बार मैं देखता हूँ ड्रोन शॉट लेके कैसा है। तो अभी हम लोग ने ऑलमोस्ट 112 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, टाइम हो रहा है 1:35 दोपहर का, एंड अभी हम लोग इधर एक चाय का ब्रेक लेने के लिए रुका है, ये टी टाइम के उधर, तो इधर सिर्फ ज़्यादा कुछ खाने को है नहीं सब, इसके आगे कैसा नहीं, मैं कहीं यहाँ से आप जाओगे ना तो अभी ये फॉरेस्ट रिजर्व एरिया चालू होगा, जहाँ से सब लाइक आपको कैसा नहीं, मैं कहें 6 के बाद व्हीकल्स लोग को एंट्री नहीं है, तो वैसा टाइप का एरिया, तो इसके आगे खाने मिलेगा क्या नहीं अपने को कुछ गारंटी है ही नहीं, वीडियोस में देखा है तो कुछ गारंटी बोलता कि खाने को है नहीं, जो उससे पहले ये कुछ ना कुछ जो मिलेगा खा लो करके, तो अभी थोड़ा भूख लगाए करके अभी थोड़ा सा एक छोटा सा समोसा ऑर्डर किया और चाय ऑर्डर किया, अभी कला कुवर्ती में है शायद, अगर मैं गलत, आई थिंक मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, मैं उसका ये डाल दूंगा अगर करेक्ट क्या है, तो कला कुवर्ती में ऐसा मेरे को लग रहा है। यहाँ से फिर अभी और 112 किलोमीटर्स है, तो जो श्रीशैलम में हम लोग जिधर जा रहे हैं ना अभी मल्लिकार्जुन, इट्स मोर 112 किलोमीटर्स, तो अभी यहाँ पर थोड़ा नाश्ता करके फिर हम लोग निकल जाएंगे फिर यहाँ से, होपफुली ड्रोन शॉट जो मैंने डाला रहेगा वो अच्छा लगा रहेगा आपको। इधर देखो नाश्ते के लिए कैसा है समोसा, कैसा किधर ऑनियन समोसा, क्या हो गया रोहित को गाड़ी चलाना, ओह लॉल, नाश्ता करके नाश्ता लंच टाइप जो भी फालतू खा के होगा, फालतू नहीं अच्छा ही था, अच्छा था, हाँ खाना था, बस चटर पटर खाया हम लोग ने, अच्छा खाना नहीं खाया। तो अभी यहाँ से निकलने का प्लान है, अभी भी 112 किलोमीटर है, ऑलमोस्ट शायद 2 लग गया। वैसे तेरा राइड कैसे चल रहा है? मस्त है, रोड बहुत सही है, बस ओवरटेकिंग के लिए जगह कम है, वो तो है, ओवरटेकिंग के लिए जगह कम है, बहुत त्रास में ओवरटेक करना पड़ता है, अपना दो गाड़ी, ये रहा हम लोग का दो गाड़ी, मस्त एकदम, अभी निकलते यहाँ पे फटाफट, अंदर एक पेशेंट है उसको थोड़ा जूस दे के निकलते यहाँ से, और दो पेशेंट एक्चुअली, एक नहीं। दो घंटा और 28 अलग स्टाइल है मेरा, मेरी चाल पे बजेगी सीटिया, अलग अलग स्टाइल है मेरा।
2000 years later. तो अभी हम लोग दिंडी रिजर्वोयर डैम पर मैप, हम लोग जो डैम देख रहा था वो डैम है पता नहीं, बस मैप में मैंने देखा तो दिंडी रिजर्वोयर दिखा रहा है फिलहाल. तो हम लोग यहाँ पे भी एक ड्रोन शॉट लेने का देख रहे हैं. अजिंक्य अपना ड्रोन उड़ा रहा है, मैं अपना ड्रोन उड़ा रहा हूँ. और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो. रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो पहला इसको टेक ऑफ कर. चल चालू कर. ये थोड़ा से करते हैं हम लोग रिजर्वोयर के अंदर एंट्री कर चुके हैं. यहाँ पे आप अगर दिखा रहेगा तो बोर्ड में, यहाँ पे एंट्री फीस कितना 30 rupees है और स्पीड लिमिट भी आपका 30 के ऊपर नहीं है. अगर आप स्टॉप भी नहीं कर सकते, अगर किया तो 10,000 rupees फाइन है. देखते हैं अगर नसीब रहेगा तो एक दो शेर मिल जाएगा. यहाँ एक तो है ऑलरेडी और भी लग जाएगा. हाँ बराबर, एक हाथी तो है पीछे बैठा ही. इधर इधर हाथी क्या तो अगर कुछ इंटरेस्टिंग दिखा तो होपफुली वीडियो में दिख जाएगा. देखते हैं रोड कैसा करके. स्पीड लिमिट तो बहुत कम है एरिया में, तो भगाने का चांस तो है ही नहीं. तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, लाइक 23 किलोमीटर ही है अभी खाली. ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर है अभी. आप सामने देखोगे ना श्रीशैलम डैम के उधर हम लोग पहुंच गए. वो डैम अगर दिखेगा तो ये वाला कोपरे से दिखेगा, कोपरे से दिखेगा. बट हम लोग उसका बंदा भाई वो यहाँ पे पीछे है डैम. सामने आपको ब्रिज जैसा दिखेगा, उधर से ही जाना है हम लोग. ब्रिज के थ्रू जाएगा ना तो मैं आपको दिखाता हूँ, शायद डैम सामने से दिख जाए. वो ब्रिज के उधर से जाएगा तो बेस्ट है मेरे को लगता है, तभी डैम सामने से प्रॉपर दिखेगा. भी बाजू में श्रीशैलम डैम है बट अभी उसका एक प्रॉपर व्यू मैं आपको दिखाता हूँ. तो हम लोग अभी डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं. 15:38 हो रहा है तो ऑलमोस्ट, हाँ सॉरी 17:38 माय बैड, 5:40 हो रहा है. 5:40 तो पातालेश्वरा सदरम करके क्या बोलता है, ट्रस्ट जैसा जो इधर का जो रहता है ना उन लोग का ट्रस्ट जैसा है. तो इधर हम लोग ने बुकिंग करके 4 rooms लिए. एक रूम में 2 जने अलाउड है, उसको 1500 rupees का कुछ तो रहता है एक जन का एक रूम का. एक 1000 rupees 1200 मैं प्राइस का कंफर्म करके पता नहीं चलता. तो अभी सब लोग इधर का कार राइड का हो गया, हम लोग का भी हो गया. अभी इधर से डायरेक्ट इतना नहीं डराया मैंने, थोड़ा टाइम रुकेंगे रूम में जाएंगे थोड़ा फ्रेश होंगे. 5:30 का तो हम लोग का ये था बट मैं नहीं डरी. लेकिन तो अभी फिर रूम में जाकर थोड़ा फ्रेशन अप होएंगे. नहीं लेकिन उसका तो उल्टी उल्टी हो गया बेचारे. बाद वाले में ज्यादा डर लगता है चलाने वाले से, वो तो है. तो यहाँ से अभी फिर मंदिर के लिए रेडी होगा. मंदिर में अभी कैसा कपड़ा पहनने का देखने का अपने को. धोती अलाउड है, धोती है कि पैंट शर्ट ये सब अलाउड है आई गेस. मोस्टली तो बोल रहे अलाउड नहीं है बट. तो फिर अभी देखते हैं उन लोग अभी रूम का चाबी सब लेने गए. एक बार वो रूम का चाबी मिल जाएगा ना तो फ्रेश होकर निकलते हैं फिर.
तो अभी होटल में एक बार पहुंच गए ना आप, यहाँ पे आप कोई भी ट्रस्टी वाला होटल में आप स्टे करोगे ना, तो आपका इधर सिस्टम कैसा है, आप ऑनलाइन बुक करना पड़ता है। ऑनलाइन बुक करने के बाद एक CRO ऑफिस है, वहाँ पे आपको जाके डिपॉजिट दे के एक टोकन जैसा मिलेगा, वो टोकन लेकर के फिर यहाँ पे आपको चाबी मिलता है। तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, हम लोग जो रुके थे वो ये एरिया है, यहाँ से फिर CRO ऑफिस इज़ अराउंड लाइक 1 किलोमीटर। तो हम लोग ने वो सब प्रोसेस तो कर दिया, बट अभी और एक थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि जीन्स अलाउड नहीं है यहाँ पे, जैसा ये वाला मैंने जो पहना है ना, दिस जीन्स इज़ नॉट अलाउड। आपको या तो फिर धोती, ट्राउजर्स, समथिंग ऐसा कुछ पहनना पड़ेगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ धोती लेने को, धोती लेके फिर एक मेरे पास ऊपर एक टी शर्ट नहीं है, कुर्ता जैसा है थोड़ा, वो मेरे को रोहित ने दिया था, वो पहन के मैं रेडी होके फिर यहाँ पे निकलूँगा हम लोग जब होटल में जाएंगे। तो ये वाला चाहिए 200 का ना, सेम है ना, ये वाला धोती 200 रुपीज़ का मिल रहा है। धोती ले लिया है, अभी टिकट का प्रिंट निकालने का, बोलते फिजिकल प्रिंट भी चाहिए यहाँ पे, वर्चुअल प्रिंट नहीं चलेगा क्योंकि मोबाइल अलाउड नहीं है, तो फिर प्रिंट निकालना पड़ेगा अभी। तो इधर प्रिंटआउट मिलता है, यहाँ प्रिंटआउट लेने के लिए, यहाँ पे प्रिंटआउट पड़ गया मेरा 2 मिनट के लिए, प्रिंटआउट लेके वापस होटल में जाके ये करना पड़ेगा। प्रिंटआउट का कॉस्ट कितना, कॉस्ट 10 रुपीज़ एक प्रिंट का, 10 रुपीज़ एक प्रिंट का, 10 रुपीज़ यहाँ पे। वो प्रिंटर मशीन, प्रिंटर मशीन चाय के दुकान में छुपा हुआ प्रिंटर मशीन। इधर ये हम लोग का होटल है, यहाँ पे हम लोग रुके, जो पीछे दिख रहा है ना ये होटल है। यहाँ से मंदिर के लिए जाने का CRO ऑफिस भी देखिए, फिर यहाँ से राइट मारेगा तो मंदिर की तरफ जाता है। तो एक बार प्रिंटआउट लेके निकलते अंदर, मेरा वेस्टी भी इधर है, देखो ये वाला वेस्टी लिया मैंने प्रिंटआउट लेने का अभी। तो हो गया, ये प्रिंटआउट भी ले लिया दो, एंड मेरे लिए वेस्टी था वो भी। अभी फटाफट रेडी होके निकलते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, ऑलमोस्ट अभी बज रहा है कितना, 6:21 हो रहा है, और हम लोग का जो टाइम था दैट वॉज अराउंड 5:30, वे पास्ट आवर टाइम, पता नहीं अभी कैसा करने का है करके। फटाक से होटल में जाके रूम में जाके चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं बहुत लेट होएगा। वैसे भी 6 बजे चालू होता है इधर का, ऐसा है कि कुछ सुबह के टाइम पे चालू रहता है, वो एक टाइम पे एक स्लॉट मिलता है, क्या क्विक दर्शन टाइप रहता है ना जैसा, वहाँ यहाँ पे भी वैसा सिस्टम है। तो वो सुबह 9:30 बजे और एक शाम को 5:30 बजे रहता है, तो हम लोग ने 5:30 बजे कर लिया था। कौन सा रूम है, 1 2 3 और एक रूम उधर वहाँ पे वो साइड पे। दिस इज आवर रूम, काफ़ी बड़ा रूम है, फिर भी एक रूम में 2 से ज़्यादा अलाउड नहीं है, पता नहीं क्यों। ये रूम में AC रूम ही है, लेकिन लाइक थोड़ा ट्रस्टी का है, तो इट्स लाइक समथिंग डिफरेंट। पूरा रूम का टूर देता हूँ मैं आपको, ये रहा एक बड़ा बेड, एक छोटा बेड, एंड वॉशरूम्स भी कैसा है, दिस आर दी वॉशरूम, नहाने के लिए एक पॉटी के लिए, ठीक है। सो आई थिंक वी शुड गेट रेडी एंड मूव। एवरीबॉडी सेट, अभी सब लोग ने कॉस्ट्यूम पहन लिए, उसने भी चेंज कर लिया, मैंने भी धोती पहन लिया पहन लिया, और इसका ये रोहित है उसने भी वाइट कुर्ता पहन लिया, और बाकी चितवन का भी उसने जो टी शर्ट है वो पहन लिया। दिस इज रोहित, दिस इज मनीष, एंड चलेगा, एंड दिस इज अजिंक्य चेंजिंग। दीक्षा आएगी, प्रतीक्षा भी रूम में चेंज करके आएगी, मानसी को नहीं आएगा गाने को, बीमार है थोड़ा, अभी यहाँ से फटफट निकल के फटाक से दर्शन करके रिटर्न आते हैं। अभी दर्शन दिखाने को होएगा नहीं क्योंकि वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अलाउड ही नहीं है, तो मोबाइल सब छोड़ के जाएंगे, वहाँ से दर्शन करके आने के बाद का सब देखते हैं। 2 hours later तो अभी लोग का मल्लिका अर्जुन का दर्शन करके आए, इधर कुछ फुटेज मिलेगा नहीं क्योंकि हम लोग 7:30 में अंदर गए,
सर 7 o'clock का मेरा 10 o'clock आ रहा है अभी टाइम हो रहा है 10:16 सवा दस बजे अभी हम लोग आए खाना खाने तो ये ब्लॉग की जरिए पार्ट एंड करते हैं और अगर ब्लॉग को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और दाल फ्राई तेरा एक सादा रोटी सीम टिल नेक्स्ट टाइम सादा रोटी।